अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं मोहम्मद हसन कंप्यूटर लेक्चर के हवाले से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर माउस को डिस्कस किया था कि किस तरह माउस काम करता था, उसकी हिस्ट्री क्या थी, किसने इसको इन्वेंट किया था। आज हम देखते हैं ट्रैक बॉल क्या होता है और किसने इसको इन्वेंट किया, हिस्ट्री क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। स्टूडेंट, आपकी बुक के अंदर ये छोटा सा टॉपिक है, अगर हम इसको डिटेल के अंदर देखेंगे कि ये वर्किंग किस तरह करता है और किस तरह ये बेहतर है माउस से, ठीक है। तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। आपके सामने ये पिक्चर दिखाई हुई है ट्रैक पॉल की। ट्रैक पॉल क्या होता है, माउस की तरह ही एक डिवाइस है, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है, करती क्या है, पॉइंट आउट करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये माउस की तरह इसको सरफेस स्टेट सरफेस नहीं चाहिए होती, बल्कि इसको हम किसी भी सरफेस के ऊपर रख के यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर भी सेम माउस की तरह ही बटन लगे होते हैं, जिनका काम सेम वही है जो माउस के बटन का होता है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें एक लॉन्ग रोटेटिंग बार लगा होता है, इसको हम फिंगर से, हाथ से, थम से रोटेट कर सकते हैं और सेम वही काम परफॉर्म कर सकते हैं। आज हम इनके देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। इंट्रोडक्शन, अ ट्रैक बॉल इज ए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ ए बॉल हेल्ड बाय ए सॉकेट, जो सॉकेट के अंदर लगा होता है, कंटेनिंग सेंसर, सेंसर पर मुश्किल होता है टू डिटेक्ट रोटेशन ऑफ द बॉल और बॉल के रोटेशन को सेंस करने के लिए इसको यूज करते हैं। अबाउट टू एक्सिस, एक्सिस कौन से होते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के दरमियान उसकी रोटेशन को ये सेंस करता है। लाइक है अपसाइड डाउन, ऊपर नीचे माउस विद एन एक्सपोज रोटेटिंग बाल, ये इनके इसको एक्सपैंड करना, बढ़ाना, ये माउस की तरह ये बाल होता है इसके अंदर, इसके नीचे लगा होता था और उसको सेम वही काम करता था जो हमारा माउस का बाल काम करता है सेम। ये फर्क ये है कि ये बॉल उसके नीचे लगा होता है माउस के, ये इसके टॉप के ऊपर लगा होता है। कि यूजर रोल द बॉल, यूजर घुमाता है बॉल को विद थंब बूटे से और फिंगर से और अपनी हथेली से इसको मूव कर सकता है, कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं जी हिस्ट्री क्या है, कि ट्रैक बॉल वॉज इन्वेंटेड बाय टॉम क्रिस्टन एंड फ्रीड लॉन्गस्टफ इज 1952 के अंदर इसने इसको, दोनों ने इसको इन्वेंट किया, इजाद किया। ये 11 ईयर बिफोर द माउस वाज इन्वेंटेड, इससे 11 साल पहले माउस इन्वेंट हुआ था, इसके 11 साल के बाद ये इन्वेंट हुआ है। बिफोर द एडवेंट ऑफ द टच पैड के इजाद के बाद, पहले स्मॉल ट्रैक बॉल वर कॉमन ऑन पोर्टेबल कंप्यूटर, स्मॉल छोटा सा ट्रैक बॉल था, अपने पुराने लैपटॉप देखे होंगे उस पर गोल सा एक लगा होता था माउस की पैड की जगह, वहां पर गोल सा एक रोटेटिंग बॉल लगा होता जिसको हम मूव करते थे और अपने कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करते थे, ठीक है। वेयर देयर मे बी नो डिस्क स्पेस नहीं होती थी ऑन विच दी रन ए माउस, जिस तरह माउस एक काम करता है इसको एक स्पेस चाहिए होती है रन करने के लिए। सम स्मॉल थंब बॉल्स क्लिप ऑन टू दी साइड ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड की साइड के ऊपर भी इसके थंब बॉल लगे होते थे ऑफ द कीबोर्ड एंड हैविंग द इंटीग्रल बटन विद द सेम फंक्शन एज द माउस बटन, सेम वही बटन लगे होते थे इसके ऊपर जैसे माउस के ऊपर लगे होते थे कीबोर्ड के ऊपर भी आता था। ये नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी फिगर, फिगर में दिखाया गया है कि ये इसकी फर्स्ट ट्रैक बॉल जो इन्वेंट हुआ था वो इस तरह का था, ये बड़ी सी बॉल है और साइडों पे क्या है उसके सेंसर लगे होते हैं जो कि बॉल की रोटेशन को सेंस करते हैं किस डायरेक्शन में है। नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग क्या है, ट्रैक बॉल कंसिस्ट ऑफ ए स्टेशनरी हैंड रीसेट रेस्ट, हैंड रेस्ट के ऊपर ये स्टेशनरी साकन बॉडी होती है इसकी, तो बॉडी को मूव नहीं करते जैसे हम बॉल को मूव करते हैं। विच इज यूजली लार्ज देन माउस, माउस से बड़ा होता है। दैट कंटेन राउंड ट्रैक, जो कि राउंड ट्रैक के ऊपर मुश्किल होता है, राउंड ट्रैक बॉल सेट इन ए सॉकेट, जो कि सॉकेट के अंदर लगा होता है। विच अलाउ इट, जो कि अलाउ करता है इट टू रोटेट फ्रीली, के वो आजादाना तौर पर घूम सके। वी कैन रोटेट द बॉल विद ओवर थम, हम थम के साथ
को मूव कर सकते हैं एंड सेंसर डिटेक्ट मूवमेंट अलोंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस, और उसकी जो सेंसर है वो उसकी मूवमेंट को सेंस करता है, डिटेक्ट करता है किसके ऊपर, दो एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर, विच इन टर्न मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। और जिस तरह हम बाल को मूव करेंगे सेम उसी डायरेक्शन में आपकी आपका जो पॉइंटर होगा वो भी मूव करेगा। ये था इसका वर्किंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपको फिगर दिखाई हुई है, ब्लॉक डायग्राम है इसकी ट्रैक वॉल की। अब नेक्स्ट देखते हैं जी इसकी ये इंटरनल डायग्राम है। इंटरनल डायग्राम देखिए सबसे बड़ा बाल है 82 मिलीमीटर का होता है और बाकी साइडों पे इसके सेंसर लगे होते हैं जो कि इसकी जो मूवमेंट है उसको डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ये आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है ट्रैक बॉल की, जिसको हम आसानी से अपने हाथ में रख सकते हैं और आसानी से मूव कर सकते हैं, कर सकते मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके एडवांटेज क्या हैं, इफ स्पेस इज ऑफ मिनिमम क्वांटिटी, अगर हमारे पास स्पेस नहीं है, ये ट्रेडिशनल माउस नीड टू बी रूम एंड नीड इट ऑन माउस पैड टू ट्रेवल, और जो पुराना हमारा जो रवायती माउस है उसको ट्रैक माउस पैड चाहिए होता है ट्रैक करने के लिए, उसको रन करने के लिए, ट्रैक माउस नीड नेदर, ये हम ट्रैक बॉल के अंदर इसके जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि माउस को मूव करने के लिए एक स्टेट सर्फेस की जरूरत होती है, ट्रैक बॉल को मूव करने के लिए स्टेट सर्फेस की जरूरत नहीं होती। द बटन आर आल्सो प्लेस वेल सो योर फिंगर आर नॉट स्ट्रेस इन रीचिंग फॉर देम, आपकी जो फिंगर होगी वो स्ट्रेस महसूस नहीं करेगी किसी भी मैन्यूस को सिलेक्ट करने के लिए एज कम्पेयर टू माउस। माउस के अंदर क्लिकिंग करना पड़ती है, इसमें जैसे हमें रोल्ड करना पड़ता है बाल को और अपने गोल को हम हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज है, कंटिन्यू करते हैं। एट टाइम व्हेन ए यूजर ब्राउजिंग मैन्यू, मैन्यू जो वेबसाइट को ब्राउज करता है, रेदर देन टाइपिंग की निस्बत, इट इज आल्सो पॉसिबल टू होल्ड ए ट्रैक बॉल, ये पॉसिबल हो सकता है कि ट्रैक बॉल को पकड़ ले इन हैंड लाइक ए टेलीविजन रिमोट कंट्रोल, टेलीविजन रिमोट की तरह ऑपरेटिंग द बॉल विद द राइट थम, राइट थम के साथ उसको ऑपरेट कर सकता है, एंड प्रेसिंग द बटन विद द लेफ्ट थम और लेफ्ट थम के साथ उसको वो प्रेस कर सकता है बटन को, दस गिविंग द फिंगर एज रेस्ट, और उंगलियों को वो आराम दे सकता है जिस तरह माउस के अंदर हम उसको आराम नहीं दे सकते। जो एल्डर पीपल हैं समटाइम हैविंग डिफिकल्टी होल्डिंग ए माउस, माउस को पकड़ने में उसको दिक्कत महसूस होती है, स्टील वायरिंग डबल क्लिकिंग के अंदर उसको मसला आ सकता है, कि ट्रैक बॉल अलाउ देम टू लेट गो ऑफ देयर कर्सर बाय यूजिंग द बटन, यूजिंग बटन को इस्तेमाल करते हुए किए बगैर वो आसानी से, जो एल्डर पर्सन है बूढ़े लोग हैं वो आसानी से अपने कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रैक बॉल माइस कम इन ऑल साइज, जितने भी साइज के अंदर इसका आता है एज पर यूजर नीड्स, यूजर की जरूरत के मुताबिक ये ट्रैक बॉल मुख्तलिफ साइज के अंदर अवेलेबल है। अगर तो डिसएडवांटेज ट्रैक बॉल आर बाय देयर नेचर एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक ये होता है कि ट्रैक बॉल जो है अपनी नियत के हिसाब से एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक क्या होता था कि इसमें हम कोई भी चीज जो है वो मूव नहीं करनी पड़ती, हमें जहां पर है बटन वहीं पर रख के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे इवन कि आप अपनी किसी भी खुरदरी जगह पर भी रख सकते हैं। थम ऑपरेटेड ट्रैक बॉल आर नॉट जनरली अवेलेबल, थम ऑपरेटेड जो है ट्रैक बॉल आर नॉट अवेलेबल है इन द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड के अंदर ये अवेलेबल नहीं है, इसके ये लेफ्ट हैंड वालों के लिए ये अवेलेबल नहीं होगा, ये राइट हैंड वालों के लिए अवेलेबल होगा कॉन्फ़िगरेशन के लिए ड्यू टू स्मॉल डिमांड, क्योंकि डिमांड इसकी है जो कम है, हम ज्यादा प्रेफर करते हैं माउस को, इसकी वजह से क्या होता है कि ये हम ट्रैक बॉल को कम यूज करते हैं लोग। नेक्स्ट, ट्रैक बॉल टेंड नॉट टू स्किप एंड फ्लो, ये स्किप नहीं करता और फ्लो नहीं करता, मोर स्मूथली देन माइस ऑफ टच पैड की निस्बत, बट माइस आर ओपन इजियर टू मैनिपुलेट क्विकली, और किस चीज को मैनिपुलेट करने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एंड एक्यूरेटली, और एक्यूरेटली जिस तरह माउस के अंदर हम पैड को इस्तेमाल करते हुए किसी चीज को हम अच्छी तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, इसमें मूव करना क्योंकि रोटेटिंग बॉल है, अगर थोड़ा सा ज्यादा मूव करेंगे तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू माउस, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। स्टूडेंट, ये आपका आज का लेक्चर था, होपफुली कि आपको समझ लगी होगी, अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।